गोविंदगढ़ कस्बे में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा गोविंदगढ़ के सुख शांति भवन में ओम शांति प्रचारक मिथिलेश दीदी ने झंडारोहण कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया और शांति भवन से 101 महिलाओं ने कलश यात्रा प्रारंभ की। शिव पार्वती की झांकी भी निकाली गई। कलश यात्रा प्रमुख बाजारों से होते हुए गांधी पार्क में पहुंची, जहां भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर न्याना के महंत बालक दास, भाजपा नेता सुखवंत सिंह, कैलाश भगवती, मुकेश खंडेलवाल, वीर किशन अवस्थी, उप प्रधान कृष्णकांत जैन सहित सभी भक्तजन मौजूद रहे। ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का जो सेंटर है गोविंदगढ़ में भगवती गली के वहाँ से आज इसका शुभारंभ हुआ है और ये हर वर्ष इस कस्बे में धूमधाम से मनाया जाता है। सारे गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, पूरे कस्बे की महिलाएं शामिल होती हैं और ये शिव जी की जो व्रत है महाशिवरात्रि, उस पर विशेष रूप से मनाया जाता है। जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन आज क्योंकि ये पर्व मनाया जा रहा है तो ये इसकी झांकी मुख्य बाजारों में निकलती हुई गांधी पार्क पर संपन्न होगी और वहाँ हमारी दीदी जो कमलेश दीदी है वो इनका प्रवचन करके रखे और समापन करेंगे। कितनी महिलाओं का इसलिए करिए? इसमें लगभग 100 महिलाओं की सहभागिता है और लगभग 100 पुरुष महिला इसमें सहभागी रूप से, जो भाई बहन के रूप में है वो इसमें सहभागी रूप से आज शामिल हो रहे हैं और पूरे जोश उल्लास के साथ इसमें भाग लिया जा रहा है।